जीनत अम्मान से किमी काटकर तक अब ऐसी दिखती हैं बीबी की ये एक्ट्रेसेस अपना 75वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 11 अक्टूबर 1942 को उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ। कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाले अमिताभ ने जीनत अम्मान, किमी काटकर, राखी, रेखा, मीनाक्षी, शेषाद्री सहित कई एक्ट्रेसेस के साथ स्क्रीन शेयर की। आज आपको इस पैकेज में अमिताभ बच्चन की एक ट्रेसेस के उस दौर और अभी के फोटोज दिखाने जा रहे हैं। 12 सुपरफ्लॉप फिल्मों के बाद आई थी ब्लॉकबस्टर जंजीर। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर के शुरुआती दौर में लगातार 12 फ्लॉप फिल्में दी थी। इन फ्लॉप फिल्मों के बाद 1973 में उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म जंजीर आई थी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। बता दें कि बिग बी के साथ हिंदुस्तानी परवाना, प्यार की कहानी, रेशमा और शेरा संजोग, पिया का घर, बंसी बिरजू, एक नज़र रास्ते का पत्थर सहित अन्य फिल्में फ्लॉप रही थी। जीनत अमान के साथ बिग बी अमिताभ बच्चन ने जीनत अमान के साथ फिल्म डॉन 1978, द ग्रेट गैम्बलर 1979, दोस्ताना 1980, राम बलराम 1980, लावारिश 1981, पुकार 1983 सहित अन्य फिल्मों में काम किया है। फिलहाल जीनत फिल्मों से दूर अपने दोनों बेटों के साथ रहती है। वे कई बार सोशल इवेंट्स और अवार्ड फंक्शन में नजर आती है। अमृता सिंह ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म मर्द 1985, तूफान 1989, जादूगर 1989, अकेला 1991 सहित अन्य फिल्मों में काम किया। अमृता फिल्म में एक्टिव हैं। इसी साल उनकी फिल्म हिंदी मीडियम आई थी। किमी काटकर ने 1991 में आई फिल्म हम में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। इसके अलावा वे बिग्बी के साथ किसी भी फिल्म में नजर नहीं आई। किमी लंबे समय से फिल्मों से दूर है। वे आखिरी फिल्म जुल्म की आंधी 1992 में नजर आई थी। वे फिलहाल अपनी फैमिली में बिजी है। रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ नमक हराम 1973, दो अनजाने 1976, खून पसीना 1977, गंगा की सौगंध 1978, मिस्टर नटवरलाल 1979, सुहाग 1979 सहित अन्य फिल्मों में काम किया है। रेखा आखिरी बार 2015 में आई फिल्म शमिताब में नजर आई थी। फिलहाल उनके पास कोई फिल्म का ऑफर नहीं है। वे फिल्मी पार्टेज में नजर आती रहती है। मीनाक्षी शेषाद्री ने बिग बी के साथ शहनशाह 1988, गंगा जमुना सरस्वती 1988, तूफान 1989, अकेला 1991 सहित अन्य फिल्मों में साथ काम किया है। वे आखिरी बार फिल्म 1996 में फिल्म घातक में नजर आई थी। 2016 में आई फिल्म घायल वंस अगेन में फ्लैशबैक में नजर आई थी। रति अग्निहोत्री ने बिग बी के साथ फिल्म कुल्ली 1983 में काम किया था। इसके अलावा दोनों फिल्म कांटे 2002, खाकी 2004, देव 2004 में नजर आए। वे आखिरी बार रणवीर द मार्शल 2016 फिल्म में नजर आई। फिलहाल वे अपने बेटे तनुज वीरानी के रह रही है। जया भादुड़ी अब बच्चन के साथ अमिताभ बच्चन ने पिया का घर 1972, एक नजर 1972, बंसी बिरजू 1972, जंजीर 1973, अभिमान 1973, मिल्ली 1975, शोले 1975 सहित कई फिल्मों में साथ काम किया। जया आखिरी बार फिल्म द्रोन में नजर आई थी। उनके पास भी फिलहाल कोई फिल्म का ऑफर नहीं है। हाँ, वे बिग बी के साथ कुछ एड में जरूर नजर आती हैं। हेमा मालिनी ने अमिताभ बच्चन के साथ 2 और 2 5, 1980, नसीब 1981, सत्य पे सता 1982, देश प्रेमी 1982, नास्तिक 1983 सहित अन्य फिल्मों में काम किया। हेमा फिल्मों में एक्टिव है। इसी साल उनकी फिल्म एक थी रानी ऐसी भी आई थी। इसके अलावा वे क्लासिकल डांस के शोज भी करती हैं। नीतू सिंह ने अमिताभ बच्चन के फिल्म दीवार 1975, कभी कभी 1976, अमर अकबर एंथोनी 1977, अदालत 1977, परवरिश 1977, याराना 1981 सहित अन्य फिल्मों में काम किया है। नीतू आखिरी बार 2013 में आई फिल्म बेशरम में नजर आई थी। उनके पास भी फिलहाल कोई फिल्म का ऑफर नहीं है। राखी ने अमिताभ बच्चन के साथ कस्मे वादे 1978, कभी कभी 1978, मुकद्दर का सिकंदर 1978, काला पत्थर 1979, बरसात की एक रात 1981 सहित कई फिल्मों में काम किया है। राखी लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं।
वे आखिरी बार 2003 में आई फिल्म दिल का रिश्ता में नजर आई थीं।